Alright, ठीक है. Lights, camera, action. So, welcome everyone to another episode of Project Wild Green. And जो लोग ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो, I want to tell you something about this aquarium. अगर तुम लोग इसे पहली बार देख रहे हो तो, and ये मेरा wild green tank है जिसे मैं 6 महीनों से चला रहा हूँ. Without CO2, without filter and without fertilizer. यानी कि इसमें से कोई भी चीजें इसमें इस्तेमाल नहीं होती, ना ही फिल्टर इसमें लगाया, ना ही जो भी मैंने बोला. ओनली ये लाइट नॉवर्ड का. एंड ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है जो कि इस टैंक के 6 महीनों ग्रोथ और इसमें क्या क्या चेंजेस आया है वो सब के बारे में. तो अब जबकि इस टैंक को 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, आई हैव वेरी मच डिफरेंट प्लान जो कि आगे इसमें आने वाला है. मतलब चेंजेस होने वाले हैं काफी कुछ इसमें. लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें थोड़ी सी फीडिंग कर देते हैं बिकॉज अभी वाटर चेंजेस करना है. एंड उससे पहले मेरे को थोड़ा सा इन्हें खाना तो खिलाना पड़ेगा बिकॉज काफी कुछ उथल पुथल होने वाला है. तो तब तक जब तक ये खाना खाती हैं, मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ इस एक्वेरियम के बारे में. एंड यहाँ पे आओ, इस एंगल से तुम लोगों को दिखाता हूँ. ये अपने नाम की तरह हो चुका है, वाइल्ड ग्रीन, मतलब जंगली. तुम लोग मेरे सामने जो टैंक देख सकते हो, इसे बोलते हैं हरा जंगली भरा टैंक, जिसका नाम इसके ही जैसा मैंने रखा है, वाइल्ड ग्रीन. एंड इसे तुम लोग यहाँ पे देखो, अलग अलग प्लांट्स. बेसिकली इसका सीन क्या हुआ है मैं सब स्टार्टिंग से बताता हूँ. बहुत ही ज़्यादा मैसी हो चुका है इस चीज़ को करते करते. एनीवेज, यहाँ पे तुम लोग मॉलीज को देख सकते हो खाना खाते हुए. एंड ये है हाइग्रोफिला एंड वेलिसनेरिया, बहुत सारे प्लांट्स है, वो अलग बात है. लेकिन फिलहाल तो सीन है कि इसका मंथली मेंटेनेंस टाइम है. एंड यहाँ पे तुम लोग एक बात ध्यान दो, ये पॉलीस्पर्मा और डिफॉर्मिस दोनों ऊपर में आ चुका है. दोनों हाइग्रोफिला स्पीशीज बोलना, आई थिंक सो ही सही होगा, आई डोंट नो, बट ये दोनों ऊपर में आ चुका है. पता नहीं इन्हें ऊपर में ग्रोथ लेने में मजा आ रहा है शायद. यहाँ पे तुम लोग हिलना बंद करो ऐसे, अरे अरे कहाँ मुसीबत है. यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो डकवीड पूरा फैल चुका है ऊपर में. अरे भाई क्यों डराया जा रहा है मेरे को, फ्लिकर करके भूतिया फिल्म नहीं बना रहा हूं मैं. ऑलराइट, इस एंगल से देखो तुम्हें यहाँ से वहां तक पूरा डकवीड फैला मिलेगा बिकॉज ये काफी ज्यादा बढ़ता है एंड काफी वाइल्ड सा ग्रोथ देता है. और इसके अलावा हम का ही बोले, यहाँ पे जो तुम लोग इस ड्रिफ्टवुड के ऊपर तुम लोग देख सकते हो, बाय द वे ये ड्रिफ्टवुड भी मेरा ही बनाया हुआ है कह सकते हो ऐसा, बिकॉज इसका वीडियो तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, देख लेना. एंड इसके ऊपर काफी कुछ हो रखा है, जस्ट लाइक क्या ही कैसे ढंग से दिखाऊं तुम्हें. यहाँ पे तुम लोग एक ग्रीन ग्रीन मॉस टाइप का देख सकते हो, ये एक्चुअली एल्गी है जो कि ड्रिफ्टवुड के ऊपर में हो चुका है. ये हो गई सारी बकवास बातें, इसका हम लोग मंथली मेंटेनेंस करते हैं इन 3, 2, 1. एंड उसके बाद इस टैंक के बारे में जो भी मेरे को बताना है 6 महीनों में इनके साथ क्या हुआ, क्या सब चेंजेस इसमें आए हैं, वो सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को बताऊंगा. लेकिन सबसे पहले तो प्लांट्स कटिंग, उसे फिर से रिप्लेसिंग एंड कांच क्लीनिंग वाली चीज़ें हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद तुम लोगों से बात करते हैं. तो मेरे प्रिय दर्शकों, मैं वापस आ चुका हूँ अपने काम को अंजाम देने. एंड इतना ज़्यादा हिंदी आज मैं बोलने वाला हूँ कि 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा और हिंदी मेरा कंप्लीट नहीं होगा, पता नहीं. एनीवेज, काम को स्टार्ट करते हैं हम लोग. सारे डकवीड को इसमें निकालते हैं. ये देख सकते हो, ये इसका इतना कम कर चुका है ना, मैं का ही बताएं. बाकी सारे जितना भी इसमें डकवीड होता है मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले. तो मैं सारे को फिर से तो यूज नहीं करने वाला हूँ, बट जितना मेरे को यूज करना होगा वो साइड कर दूंगा, बाकी सारे फेंक दूंगा. और क्या, थोड़ा सा लुब्रिकेट करो फिर रगड़ो. एंड ऐसे करने पे सारे कांच क्लीन हो जाते हैं बड़े आराम से. मेरे को कांच साफ करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता अभी बिकॉज ज्यादा माथा पच्ची वाला चीज है नहीं, जस्ट आराम से मेरे को एज पे ध्यान देना पड़ेगा. एंड तुम लोग भी ध्यान देना जब भी अपने एक्वेरियम को ऐसे शार्प चीज से रगड़ो, तो उसको कोने पे इस्तेमाल करने से पहले ढंग से देख लेना. अगर सिलिकॉन पे लगा तो फिर लीक देखने को तुमको मिलेगा, फिर मेरे को गाली दोगे कि मैंने बोला था कि इससे साफ करो ब्लेड से, एंड लीक करवा दिया भैया ने.
ये रहा मेरा ब्रश, एंड ब्रश से अंदर की चीज आराम से साफ हो जाती है जैसे ये चीजें। एंड मैं ब्रश का इस्तेमाल इसीलिए करता हूँ बिकॉज ये एल्गी को स्क्रेप करने में बहुत ही ईजी है एंड ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे को। ओके तो पानी तो मैं थोड़ा क्लाउडी लग रहा होगा एंड इसीलिए मेरे को वाटर चेंजेस करना पड़ेगा। एंड ये वाटर चेंज एक्चुअली नेसेसरी नहीं है मैं सच बताऊं तो इसके लिए। ये सेफेस्ट वे है पानी ट्रांसफर करने का टैंक में ताकि सब्सट्रेट ज्यादा हिले नहीं। और वो कचरा दिख रहा है जो तुम्हें उड़ रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, वो जो उड़ रहा है कचरा, वो एक्चुअली कचरा जो वो उड़ रहा है पानी में वो कचरा है एंड वो सब्सट्रेट नहीं है एक्चुअली। आई थिंक सो मेरे को रीप्लांटेशन कर देना चाहिए जो प्लांट्स है, मेरे को प्लांट करना है इसमें। नाइस एंड क्लीन वाटर। ऑलराइट, इसका क्लीनिंग का काम खत्म हो चुका है एंड अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो इसमें कौन से प्लांट्स है ये जानने के लिए तो मैं वो तुम लोगों को बता देता हूँ। साइड में देखो ये है लिम्नोफिला सेसिफ्लोरा, आई थिंक सो, नॉर्मली इसे अम्बुलिया बोला जाता है। नीचे में है सेगिटेरिया, ये मैंने एज अ कार्पेटिंग प्लांट मतलब फ्रंट रूम में लगाया जस्ट बिकॉज ये थोड़े से एरिया को फिल करेगा, मे बी करेगा कि नहीं करेगा मेरे को नहीं पता। एनीवेज यहाँ पे है ये जो लंबे लंबे स्ट्रिंग देख सकते हो, एक्चुअली यहाँ पे एक तो ही स्ट्रिंग है, तो ये है वाटर क्लोवर एंड इसकी ग्रोथ अभी बहुत ही गंदे तरीके से हुई है बिकॉज एक्चुअली ये सड़ रहा था बिकॉज ये साइड में आ गया था, इसके वजह से इसको लाइट इनफ लाइटिंग नहीं मिल रही थी जिसके वजह से ये थोड़ा सा गंदे हालत में है। एनीवेज पीछे में है हाइग्रोफिला पॉलीस्पर्मा, हाइग्रोफिला डिफॉर्मेस, दोनों हाइग्रोफिला स्पीशीज का है। यहाँ पे जो तुम लोग यहाँ पे मेन फोकस देख सकते हो ये है बाकुपा मोनियरिस, आई थिंक सो, गप्पी ग्रास से थोड़ा सा एकदम ये पॉलीस्पर्मा के थोड़े से पीछे, हालांकि उसकी डेंसिटी और आई थिंक सो क्वांटिटी कहना सही होगा वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, खाना नहीं दे रहा हूँ। एंड सबसे पीछे में तुम्हें मिलेगा वेलिस्नेरिया एंड इग्रियाडेंसा जो कि बहुत ही सबसे एकदम स्टार्टिंग में ये प्लांट्स थे। एंड ये देखो मॉली यहाँ पे हेयर एल्गी खाने में बिजी है, आई थिंक सो ये हेयर एल्गी है ना स्ट्रिंग एल्गी है मेरे को नहीं पता, बट उस टाइम ये ढंग से नहीं दिख रहा था बट अब फिलहाल तुम लोग देख सकते हो ये कैसा है। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता ये क्या है, आई थिंक सो ये हेयर एल्गी है। एंड अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो जानने में कि इसमें कौन सी स्टॉकिंग्स है, दैट मीन्स कौन सी फिशेस है, तो तुम लोग ये बहुत ही कॉमन फिशेस है तुम्हें पता ही होगा, ये है मॉलीज ऑरेंज ब्लैक एंड वाइट, वाइट ब्लैक ऑरेंज एंड गप्पीस, कुछ फैंसी गप्पीस हैं अभी दो या तीन होंगी इसमें मे बी ऐसी वाली। एंड यहाँ पे मॉस्किटो फिश, इसे बोलना मेरे को पसंद नहीं है तो इसे मैं वाइल्ड गप्पी बोलता हूँ या फिर एंडलेस लाइफ बैरर बोला जाता है उसे। ये फीमेल है मॉस्किटो फिश की एंड लेट मी सी फाइंड वन मेल जो कि एकदम कलर्ड अप हो चुका है क्योंकि इसका साइज अच्छा खासा बढ़ चुका है। अरे थोड़ा सा रुक जाना, मेरे को तेरे को दिखाना है यार कितनी हड़बड़ी में रहते हैं ये सारे, कुछ बढ़िया से गप्पीस के शॉट ले लूँ मैं। इस टैंक में कुछ स्नेल्स भी है जिसे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो एंड और भी होंगे, इनकी फीडिंग हैबिट को मैंने सुधार दिया तो इसमें ज़्यादा ये है नहीं। एंड ये वाले स्नेल्स हार्मफुल नहीं है मेरे प्लांट्स के लिए इसीलिए मैंने इसमें रहने दिया। एक पेस्ट स्नेल्स होते हैं जो कि रिवर में मिलते हैं, मैंने गलती से इस टैंक में डाल दिया था एकदम स्टार्टिंग में जो कि मेरे टैंक को पूरा बर्बाद कर रहे थे तो वो उस चीज को मैंने हटा दिया है। इस टैंक को मैं विदाउट CO2 विदाउट फिल्टर एंड विदाउट फर्टिलाइजर एंड विदाउट हीटर आल्सो क्योंकि ठंड का टाइम है, वेल हीटर का बात अलग है बिकॉज मेरा रूम टेम्परेचर 20-21 से नीचे जाता नहीं है तो फिशेस को उतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है एंड लाइट की वजह से, एंड इसका जो एक इकोसिस्टम बन चुका है उसकी वजह से ज़्यादा पानी ड्रॉप होता नहीं है, मतलब टेम्परेचर पानी ड्रॉप
हाँ वो उड़ता तो है, उसे फिल करना पड़ता है मेरे को। एनीवेज उस चीज को मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बट टाइम टू टाइम मैं फिल कर देता हूँ। ओके, तो मैं बताता हूँ क्यों मैं इस टैंक को 6 महीने तक सक्सेसफुली विदाउट ये सारी चीजों के इस्तेमाल के क्यों चलाने पा रहा हूँ। वेल, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक्चुअली ये चीज उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें कैसे चलती हैं। जस्ट लाइक सब्सट्रेट को तुम लोग एटलीस्ट 2 इंच, 1-2 इंच तक डीप रखना है ताकि सब्सट्रेट अच्छा रहे, एंड उसमें फर्टाइल सॉइल तुम लोग डाल सकते हो या फिर एक्वा सॉइल भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। सस्ते में करना चाहते हो तो एलोवेरियल सॉइल डालो, विच विल बी वेरी परफेक्ट फॉर एक्वेरियम एंड एक्वास्केपिंग ऐसे प्लांट्स के लिए, बिकॉज कुछ प्लांट्स इसमें रूट फीडर्स होते हैं। जस्ट लाइक ये क्या नाम है इसका, वेलिसनेरिया। हाँ, वेलिसनेरिया जैसे प्लांट्स रूट फीडर्स होते हैं जो कि अंदर से सब्सट्रेट से न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं, एंड जस्ट लाइक ये अम्बोलिया बाकी सब जो हाइग्रोफिला वगैरह है ये लीव से ज्यादातर लेने की कोशिश करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व रहता है। तो वो चीज को स्टैब्लिश करने के चक्कर में यहाँ पे एक बढ़िया सा इकोसिस्टम बन चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांटेड एक्वेरियम के लिए, एंड इसी वजह से मेरे को इसमें ज्यादा वाटर चेंजेस करने पड़ते नहीं है। महीने में मैं चेंज कर देता हूँ, हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं है बिकॉज इसका एक एस्टैब्लिश्ड इकोसिस्टम बना दिया मैंने। जस्ट लाइक एक्चुअली सीन क्या होता है इसमें, वो चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिश को मैं खाना खिलाता हूँ, फिश पूप करती है, वो जाकर डिसॉल्व होता है पानी में जो कि नाइट्रेट और नाइट्राइड बनाता है, एंड नाइट्रेट एंड नाइट्राइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए, उसके फूड सोर्स के लिए, जिससे तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हो, एंड वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट्स को, एंड ये साइकिल रिपीट होता जाता है। प्लांट्स बढ़ते हैं, मैं काटता हूँ या फिर नहीं भी काटता हूँ कभी कभी, एंड एक इकोसिस्टम सर्कल बनता रहता है। खाना डालो, मछली खाएंगी, फिर प्लांट्स में आएंगी, सारे सर्कल चलता रहता है, एक दूसरे को ये बैलेंस लेके चलते हैं। जस्ट लाइक एनवायरमेंट में होता है, एक इकोसिस्टम रहता है। एंड जहां तक बात रहा ऑक्सीजन का, एक्चुअली बहुत लोग ऑक्सीजन का नहीं, एक्चुअली CO2, तुम लोग सोच रहे हो कि इस प्लांटेड टैंक में CO2 क्यों नहीं लगता है? तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, इसमें जो भी प्लांट्स है वो सारे लो CO2 में ग्रो हो सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी वाटर कॉलम में CO2 है एंड जितना फिश प्रोड्यूस करता है CO2, उतना से इनका काम हो जाता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, विदाउट ये सारी चीजें इस्तेमाल किए हुए ग्रो कराने का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज ये है, इस चीज को मैं इतना लंबा क्यों टान रहा हूँ, जो भी हो, ये है लाइट। लाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्वाटिक टैंक क्या होता है, मतलब कोई भी प्लांटेड एक्वेरियम को बढ़िया से चलाने के लिए लाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 9 वाट का LED लाइट है जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है मेरे को इस प्लांट ग्रोथ कराने के लिए। और कोई चीजें मैं ध्यान देता नहीं हूँ, बस बढ़िया सा खाना खिलाओ। बहुत सारे खाने हैं मेरे पास, ऑप्टिमम माइक्रोफिश पैलेट्स और भी बाकी सारे बहुत सारे खाने रखे हैं, इन्हें बढ़िया से खाना खिलाता हूँ, ये अपने मस्त मगन रहते हैं, एंड यही सारी चीजों की वजह से ये टैंक इतना बढ़िया चल रहा है। जब मैंने इस टैंक को स्टार्ट किया था, उस टाइम मैंने इसमें बहुत ही लेस प्लांट्स से स्टार्ट किया था। जस्ट लाइक ये 1-2-3 प्लांट्स थे इसमें, आई थिंक सो गप्पी ग्रास था, ये वेलिसनेरिया था, एंड इग्रियोडेंसा था, 3 प्लांट्स थे। एंड फिर जैसे जैसे इसका महीना बीतता गया, मैं एक्सपीरियंस लेता गया प्लांट्स के बारे में, एंड और भी प्लांट्स कौन से मैं विदाउट CO2 उगा सकता हूँ, वो सारी चीजें के बारे में मैं जब पता करने लगा, तो और भी बहुत सारे प्लांट्स मैं लेके आया टाइम टू टाइम, एंड इस टैंक में एड करते गया। मेरे को उस टाइम ये चीज नहीं पता था कि कौन सा प्लांट कैसे बढ़ता है, किसे आगे रखते हैं किसे पीछे रखते हैं। जस्ट लाइक वेलिसनेरिया को मैं आगे लगा देता और बाकी सारे को पीछे लगा देता तो कैसा होता, वेलिसनेरिया पूरा आगे से छाप लेता और पीछे में जो प्लांट्स थे वो दिखते भी नहीं। तो ये इस चीज को समझने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, हालांकि ये चीज को मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो मैंने प्लान किया है कि रीस्केप करने के बजाय इस टैंक को मैं एक नया टैंक बनाऊंगा एंड इसके प्लेस पे रिप्लेस करूंगा। लेकिन बात रहा कि ये एक्वेरियम हो चुका है काफी पुराना, ऑलमोस्ट लाइक 3 या 4 साल से इस एक्वेरियम को मैंने रखा है, एंड इट्स स्टिल अ हेल्पफुल टैंक बिकॉज सबसे पहला प्लांटेड टैंक यही है मेरा, एंड इस चीज से मेरे को इस टैंक से बहुत ही ज्यादा लगाव है। बट एक चीज को तो एंड करना पड़ेगा अगर कुछ नया स्टार्ट करना है तो इस टैंक का एंड होगा कुछ दिनों में नहीं या फिर कुछ हफ्तों में कह सकते हो। मतलब वाइल्ड ग्रीन का ये आई थिंक सो
अपडेट वाला वीडियो ये लास्ट होगा आई थिंक, ये रहा छठा महीने का अपडेट ऑफ माय वाइल्ड ग्रीन टैंक। एंड एक और बात मैंने यहाँ पे नोटिस करी अपने एक्सपीरियंस के 6 महीनों से, कि कभी भी ड्रिफ्टवुड लगाना हो तो कभी भी ऐसा ड्रिफ्टवुड जिंदगी में मत लगाना जो एकदम फ्रंट साइड में आके अपने फ्रंट ग्लास से टच हो, बिकॉज ये वाले ड्रिफ्टवुड की वजह से मेरे को इस टैंक के फ्रंट ग्लास को साफ करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज मैंने नोटिस करी एंड नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा जब भी मैं एक्वास्केप करूं तो हार्ड ड्रिफ्टवुड हार्डस्केप जो भी हो वो फ्रंट ग्लास से थोड़ा दूर हटके रहे एंड बैक ग्लास से भी। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो कि नेक्स्ट वाली स्केपिंग वीडियो में तुम लोग को दिख जाएगी। एंड इस वाले एपिसोड के लिए 6 महीने का इतना ही है, तब तक मजे करो। और क्या, मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो तुम लोग को बता देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।